मिलते अहमद के हम दर्दों में गमखारों ख़ारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं वफादारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं वफादारों में हूँ बसमीम् अल्लाक वरहल वर्क़ नाजरन कराम गुज़त कुछ प्रोग्रामों से हम दौरे दौर सानिया का जायज़ा ले रहे हैं और उसके अहम वाक़ात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी दौर से मुतल है नाजरन कराम किसी भी तहजीब और किसी भी मिलत का दार इस बात पे है कि वो नए आने वाले चैलेंज और किसी मसले का जवाब किस अंदाज से देती है नाजरीन कराम कुरान पाक में जैसे अरसाद है कुल्ला योमिन वाफी शान अल्लाह का हर दिन नई शान लिए होता है कभी उसका जलाल बेनकाब होता है शौकत संजरो सलीम के ज़रिए और कभी उसका जमाल आता है सामने आता है फ़्री जुनेैदुबा जजीद के ज़रिए लेकिन इंसान के सामने सबसे बड़ा मसला ये होता है कि माजी से अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए वो एक पल में वहाँ से नहीं उठ सकता जहाँ बैठने में ज़माने लगते इसलिए जब तक इल्हाम ना, ना हो आदमी कोई स्टेप उठा नहीं सकता तयक्कुन के साथ सबसे बड़ा मसला यही था आम इस्लाम के साथ कि वो तयक्कुन के साथ कोई स्टेप उठा नहीं सका जब 19वीं सदी में चश्मे मुस्लिम वरताए हैरत में पड़ी तफसीर हरफे यंसलून देख रही थी तो ये हज़रत मिर्ज़ा गुल अहमद कादानी हज़रत मसीह मऊदी थे जिन्होंने अपने खुदादाद नूर फ़रासत से ये भाँप लिया ये जायज़ा ले लिया कि अब इस्लाम की लड़ाई शमशीर सना और बलम से नहीं बल्कि दलालो ब्राहिनों कलम से लड़ी जाएगी और ये मदान कारजार में नहीं बल्कि जराइद व अखबार में लड़ी जाएगी और आपने ब्राहनियामदिया लिख के हजरत तमाम कर दी नाजरीन कराम आपने जिस मिशन की बुनियाद रखी हर आने वाला वक्त और हर आने वाला लम्हा उसकी सदाकत की गवाही दे रहा है और जो लोग नास्टलिया में मुबतला रहे ममोले को शहबाज से लड़ाने के चक्रों में रहे दिन ब दिन इरलीवेंट होते गए और आप अपनी खाक आप अपनी आग के खसो खशाक बन गए नाजरीन कराम हज़रत मसी मऊद ने जिस मिशन की बुनियाद रखी जो तर्ज़ बेह उन्होंने ईजाद की नाम गमें मुस्तफ़ा में क्या क्या रखवा के वही गुलशन में तर्ज़ बयाँ ठहरी नाजरीन कराम इस बात का जायज़ा लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जिन मोहतरमोज़ मेहमानों को वह हैं मौलाना बासत शाह साहब और जिनाब कमाल यूसुफ़ साहब हम सबसे पहले उन्हें खुश आमदेद कहते हैं आज अपने स्टूडियो में और उनसे पहले सवाल का आगाज करेंगे कि ये जो मिशन था कि इस्लाम की अशात जो है वो अब दलाइल से होगी बराहीन से होगी कलम के ज़रिए होगी इस मिशन को वसत में लिया है हजरत हैत खातलमसी के दौर में इसके बारे में कुछ फरमाएँ रोशनी डालें कि कैसे ये उनके दौर में ये प्रोग्राम जो है वो हमागीर हुआ है असलकुम वर्क

والقلم وما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا बसमिल्ल रहीफनत आपके सवाल के नतीजे में जो बातें मैं आज करना चाहता हूँ थोड़ा सा वक्त लगेगा जी जी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस अंदाज़ में आज कर सकूँ कि मुझे भी उसका सवा हासिल हो आपको भी कोई फ़ायदा पहुंच अब ये जो आयात मैंने आपकी खिदमत में कुरानी से पढ़ी हैं ये सबसे पहली वो वही है जो हदल के जबल नूर में जब रही आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और आप पे सवाल के सूरत में पेश की गई अब इसमें अजीब बात यह है कि इकताब का जो भी अब माने करें कि पढ़ गया पढ़ा या सुन गया सुना आगे इसकी तबलीग कर जो मर्जी आप मैंने करें लेकिन जिस शख्स ये मुतालबा किया और ये पहला मुतालबा और पहला ये एक हुक्म है एक रंग में उस शख्स को खुदा ताला कहता है कि ये तो उम्मीद है इतना बड़ा बोझ इंसान हैरान हो जाता है सिर्फ उसने खुद नहीं पढ़ना तो सारी दुनिया को पढ़ाना है। वो रामत लालमीन है इतना बड़ा काम और जबराइल के सामने वो कह रहा है कि माना बेका मैं नहीं कर सकता मैं नहीं पढ़ सकता ना मैं पढ़ा सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन खुदा ताला ने पहला हुक्म ही यही दिया कि भाई ये पढ़ाना है सुनाना है लोगों तक पहुँचाना है अब यह है कि इसका होगा कैसे बे इसम रबिक ये तोफ़ीक जो है ना ये वदियत की जाएगी ये महब ये बात यह एक वह भी चीज़ है इकतिसी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या दोझे कि मैं बड़ा आलिम सुन लो मेरी बात आगे फिर अल्लाह ताला ने वो तरीके बताए हैं नून नून के कई माने हैं एक माने दवात के हैं नून अलग एक कलम का लफ्ज़ तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और आगे फिर नफ़्स मजमून है मायुष्तरून ये तीन चीज़ों का मजमू है जिस जरिए से फिर आगे चलेगा फिर आगे मुस्तबिल की बिशारत दी कि ये फिर ऐसे एक और वक्त आएगा जब जहाूसलम एक दूसरी जब आपके रूहानी तजली होगी और जिस शख्स के जरिए से होगी हम उसको महदी कहते हैं हम नहीं। नहीं। उनको मसीह कहते हैं इमाम जवान कहते हैं और उसी पे हमारा ईमान है उसके ज़माने में सहफनोशरत ये सहाफत शुरू होगी किताब शुरू हो गई प्रिंट मीडिया आएगा और फिर ये आगे किताबें फैलेंगी और अजीब बात यह है कि फिर सानिया में जिस शख के ये ज़िम्ह आया वो भी किसी यूनिवर्सिटी के पढ़ा हुआ नहीं था किसी मदरसे का पढ़ा हुआ था यह अजीब बात हुँ। हुँ। है वह इंसान हैरान हो जाता है कि खुदा तला ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए एक ऐसा शख्स इंतखा किया कि वो जैसे कहते हैं कि किसी मदरसे किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी वो जो आम तौर पर उमा के जद में आते हैं कि जी फलानी जगह से पढ़े हुए उनका कोई ताल्लुक नहीं था किसी सनत उनके पास नहीं और फिर यह है कि वही खुदा तौ ने लकब भी, भी, भी दे दिया कि जी आप कलम हैं फिर वही कलम आ गया कलम भी अला ने पकड़ाई सुल्तानियत भी दे दी कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है नहीं। अच्छा फिर अजीब बात यह है कि सिलसिला में जब जमातें बनी बहुत बड़े बड़े आलम थे बड़े बड़े फाजिल थे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों को पढ़े हुए थे हर किस्म के लोग थे उसमें फिर जब सानिया का दौर शुरू है नहीं, नहीं। और यही जो अब मैं आगे आज करूँगा कि होता क्या फिर वो शख्स भी किसी यूनिवर्सिटी का बड़ा होता है किस वक्त <laughs> तो ये अजीब अल्लाह ताला का ये कि उम्मीयत गालिब है और खुदा तै काम इतना बड़ा लेना चाहता है कि ये ज़माना आ गया कि सारी दुनिया तक हमने अलूम को फैलाना है लेकिन जिन लोगों को खुदा ताली इंतख कर रहा है बजूद अल्लाह ताला की तौद के वो कुछ भी नहीं कर सकते नहीं। बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है उसके साथ ही जो हैं वो बिगड़े हैं कि भाई ये हमारे तौर तो होता तो मैं समझ आती कि पी ए है कोई एम ए है बड़े बड़े स्कॉलर हैं एक एक बच्चा है उसके बात तो मैं कुछ और अर्ज करना चाहता था मुझे ये याद आ गया आज ही हम रस्ते में जिक्र कर रहे थे ये या बहादुर जंग साहब ने बैत नहीं की थी ये पहले लाहौर चले गए तो बड़े मुतासर थे मौलवी महमद्लिस साहब से तो कहने लगे कि ठीक है अब कादियान हो है कादियान गए असर की नमाज पढ़ी तो देखा है इन्होंने कि नौजवान सा लड़का है क्या क्या दुख है इसको खलीफा बनाने की कहने लगे उसके बाद हजूर ने नमाज को दर्ज देना शुरू किया था तो हैरान हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है उसी वक्त बात कर ले और उनको ख्याल भी नहीं था कि यह शख्स इस काबिल है बिल्कुल नौजवान सा लड़का है खलीफा बन गया आता है इसको कुछ है नहीं लाहौर में इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं लेकिन जब दरसिया हजूर ने तो उनकी मतलब होश उड़ गया कि मैं किस दुनिया में फिरता रहूँ तो यही तो सब कुछ है नहीं। नहीं। अब देखें जब अल्लाह ताला तस्लि मौत को इस मुकाम के लिए चुना है तो दो बड़े माल के हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु उतर आए मैं खुद हैरान गौर से देखा है उसको तारीख में देखे हुआ ये कि हमारी जमात में उस वक्त एक रिस फारूक था और ये मीर कासम अली साहब को हजूर ने ख़ुद बुलाया था कि आप कादियान आएँ और इसको जारी करें फिर सादिक था हजरत मुफ्ती सादिक साहब रजील्ला तुमने रद्दसाइत में नहीं। एक रिसा लिया फिर इसी तरह एक नूर रिसाला था शेख मोहम्मद यूसुफ साहब जो ग्रंथी थे और इसी तरह तालीम तालीमसम साहब ने तस्ीर कुरान ईद और उस वक्त के मौसम के ल्हात थे उसके लिहा ये रिसाले तकरीबन उसी ज़माने के खिलाफत है। आ, सानी के करीब करीब अब हजरत हज़रत हदर्स मसीह महमदा सलाम के जब विसाल होता है तो एक शोर लाहौर में सारे हिंदुस्तान में कि बस अब तो अहमियत अहमियत ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई ये हो गया हो गया मजमून के मजमून आ रहे हैं एक तूफ़ान उठा हुआ सारे हिंदुस्तान में नहीं। नहीं। उसके जवाब में फिर अजीब बात यह है कि जमात भी उठी हज़रत मौवी साहबी तलीफा बन चुके थे इन्होंने भी मजूमून लिखा मौली महमद्लि साहब ने मजमून लिखा मिया बशीराम साहब ने लिखा इरफ़ानी साहब ने भी लिखा उनके अमरोही साहब ने भी लिखा अक्सर मजमून बेताश एकदम आए और हज़रत खलीफालमवसी सानी उस वक्त तो खलीफा नहीं थे इन्होंने भी एक मज़ूम लिखा जब इनका मजमू लिखा तो अजीब बात यह है कि हज़रत खलीफलमसी अवल का एक ख़ास तरीक़ था मस्लि और के बारे में किसी बात का जिक्र करें हजूर ने जब मज़ून पढ़ा तो हजूर ने मौली महमद साहब को अजीब बात है कि हर दफा मौलव साहब को बुलात हजूर ने फरमाया कि मैंने भी मज़ून लिखा है मोहम्मद अली तुमने भी लिखा है एक मामूद हम दोनों से बढ़ गया देखें अजीब लफ्स है वो मजमून फिर किताबी सूरत में छपा ये पहला मजमून है पहली तस्नीफ़ है हजर मुस्लिम क्योंकि जवानी की बात और औरतर मुस्लिम हजरत खलिसबल रजील तौर ने उस मज़मून को मोहम्मद हसैन बटालवी को भेजा रजिस्ट्री करवाई और साथ ख़त लिखा कि तू कहता था कि मिर्ज़ा साहब की औलाद तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये तू पढ़ और बता तेरे बेटे ने क्या लिखा पाकदा चैलेंज किया इतने मुतासर थे उसके बाद ये उनका पहला मार्का था प्रिंट मीडिया में जो कुछ हो कहते हैं बिल्कु नहीं का। की ट्रेनिंग शुरू से थी हाँ, बिल्कुल उनकी जो जज्बा था जब तो मौली मोहम्मद अली साहब ने कहा है इसे सदाकत के निशान के तौर पे पेश किया है बल्कि मोल मोहम्मद ने जब ये उन्होंने लिखा है तो साहब ने बहुत जबरदस्त इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है बल्कि चैलेंज किया है कि देखें हजमत की औलाद अगर हजमत सच्चे ना होते तो ये मज़मून कैसे लिखा जाता और तो बड़े अच्छे रंग में बहुत मैं मैंने कहीं नोट ली है भी मुझे पता नहीं मिलता ये नहीं मिलता तो उन्होंने मल साहब इसको आगे उन्होंने अपने हाँ, दौर में कैसे बिल्कुल बिल्कुल तो इस मौके पर भी अद्स्ल्लावल ने कहा है कि ख्वाजा कमाल साहब को कि इसको पढ़ें और देखें और ये बहुत ही तशीरजान का मजमून बड़ा लंबा इस पर मौल साहब का नोट है तो ये दोनों बच्चे में जोश कहां से आ गया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल लिखा है बल्कि कहा जी कि देखेंगे अगर सच्चा ना होता तो हाँ। ये औलाद उनकी हैं कैसी, कैसी बहुत अच्छा लिखा हाँ है, 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 है और मुझे मिलनी खैर कोई बात नहीं लेकिन बहरहल ये बुनियादी चीज़ थी तो अपने दौर में उन्होंने जो अखबार के इनको फारूक जब शुरू अखबार शुरू हुआ है तो इसमें उन्होंने हदायत दी हैं उनको मीर कसम अली साहब को हाँ जी फिर यही है कि हजूर ने आगे जो सिर्फ यही ना कि ख़ुद भी इतने बड़े मुसनफ़ थे राइटर थे हजूर ने आगे ट्रेनिंग दी है मोहम्मद जहुल्दीन साहब अकमल साहब ने फिर टेक किया ना तशहर तो वो उन्होंने फिर आगे ख्वाजा गुलाम नबी साहब थे जो अलफजल के बड़ा लंबा सा एडिटर है उन्हों को हजूर ने तरबियत दी और बताया कि कैसे मज़ूम लिखा जाए आगे कैसे इसको चलाना है इस तरह फिर उसके बाद रोशिन साहब तनवीर आए और उनके साथ शेख खुर्शीद अहमद साहब भी थे और मसूद खान साहब दहली भी थे फिर आखिर में हजरत साहब का यह क्या था कि किस तरह का कोई अखबार मसलन फ़ारूक को उन्होंने कहा शुरू जब किया है मीर काली साहब ने तो क्या चाहते थे किस तरह की इसकी होनी चाहिए हायत तो और किस तरह की असल में मुझे उनका तो तफी इलम नहीं लेकिन मसूद दहवी साहब ने लिखा है कि मुझे हजूर ने क्या हदायत उनकी दिल्ली के थे इनकी जबान एक ख़ास इनका लहजा है बात करने का तो हजूर ने कहा कि मजहबी चीज़ें इस तरह बयान नहीं हो सकती इसको इस रंग में बयान किया जाए मोली दोस्तों साहब जो बिल्कुल अभी उनकी वफात हुई है इनको भी हजूमसन हदायत दी कि शरात ऐसे लिखने हैं जो इलमी ख़ास के पे बातें पेश करनी है तो उसको इस रंग में पेश करनी है उसमें हदायत मिलती है लेकिन मुझे रोशन रब तनवीर का इलम नहीं कि हजून को बार क्या फरमाया बाकी ये ख़्वाजा गुलाम नबी साहब को भी उन्होंने भी लिखा है कि हजूर ने मुझे हदायत दी कि ऐसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा है एडिटोरियल ऐसे लिखते हैं मजून ऐसे लिखते हैं लंबा ना हो छोटा ना जो भी उस वक्त ऐसे साकबी साहब को तो हजूर ने किसी और रंग में ट्रेनिंग दिलाई भेज ही दिया लाहौर के वहाँ जो मशहूर साफ़ी थे उनसे तरबियत लेके आए साहब बहुत आपने रोशनी डाली तो ये जो हजरत साहब का ख्याल था कि इसको तबलीग के लिए वो सारे ज़रा अब्लाग का इस्तेमाल करना चाहते थे इसको पूरा जो भी प्रिंट मीडिया है उसके ज़रिए जितने भी इमकान हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस्लाम का नूर जो है एक नाफ़ आलम में फैलाना चाहते थे इसके बारे में मौलाना बाहर कोई रोशनी डाली हज़रत खलीफा ानी रज़ी का जो जज्बा तबलीग था जज्बा इशात इस्लाम इसके लिए जो जोश था आपके अंदर इसका जिक्र हम कई दफा कर चुके हैं पहले भी ये ख़ास चीज़ थी <गणगी> और हज़ूर खुद फरमाते हैं कि मैं हैरान हूँ कि ये बचपन से ही मेरे अंदर ख़ास तौर पर ये चीज़ पाई जाती थी <गणी> और अल्लाह ने नेजू की दुआओं को सुनते हुए ये मौका बना दिया आपके लिए कि आपको एक ऐसी जमात मैसर आ गई जो इस काम को आगे चलाने के लिए हर मुमकिन ज़रिए से वो इस काम को आगे चलाने के लिए तैयार थे असल चीज़ तो क़ुरबानी है जमात के वो अफराद जैसा मोहतरम कमालसा ने बयान किया है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जराए भी अगर देखा जाए तो पैसे के लिहाज से भी कुछ ज़्यादा जराए नहीं थे वो तो हमारी जमात का अगर आप भी मुकाबला किया जाए तो, तो छोटी जमात है नाकबले जिक्र है लोगों की जमातों के मुकाबले दूसरी जमातों के मुकाबले तो ये एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ ये, ये कि सारी दुनिया की तब्लीग का काम शुरू करना है हमने सारी दुनिया को तब्लीग करनी है सारी दुनिया को इस्लाम की अजमत और कुरान मजीद की अजमत और शान से आगा करना है तो इसके लिए आ, हजरत मज़ाभशरदीन महमूद अहमद ने इब्तः से ही आपने तरक्की की तरफ बहुत तोजो दी मेरा ख्याल है वो चीज़ भी ज़िमन यहाँ पर अगर मैं बयान कर दूँ तो दिलचस्पी का बायस होगी इब्ता में हमारे बाज़ मुखालफ जो थे वो ये चैलेंज किया करते थे कि हम यूनिवर्सिटी के संद हैं हमारे मुकाबले के लिए किसी संद को लेकर आओ ये क्या है कि आप कहते हैं कि फ्लां वैसा कर लेगा फलां नाजरा कर लेगा हम यूनिवर्सिटी के फारग तहसील और सद्ता हमारे सामने ऐसा शख्स आना चाहिए जो मौली फाज हो ये बड़े तम तराग से और बड़ी शान से ये बात की जाती थी अभी वो मौली वो साहब का भी जिक्र आता रहता है इसमें वो अपने वो समझते थे कि हमारी मेरी बड़ी शान है तो मेरे सामने में मेरी मेरी हैसियत का आदमी मुकाबले पर आना चाहिए में ठीक है बहुत थोड़े लोग थे हजरत मौलाना सैद सरवर शाह साहब और हज़रत मौली मोहम्मद हसन अमरोही साहब बड़े गिने चुने अफराद थे जो हज़ू के साथ रमसीम के सतह हैं हज़रत मौलाना नूरुद्दीन हज़रत मौली अब्दुलकरीम साहब इब्ती तो लोग चांद एक और उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ मुखालफत का जब तो उन लोग कहते थे कि इनके पास तो कोई आलम नहीं है हमारे पास कोई तो मुझे याद है एक दफ़ा ये बटाले के करीब एक जगह थी बटाला कादियान से जो 11 मील के फासले पे करीबन स्टेशन है हमारा जहाँ पहले गाड़ी बटाले तक ही आती थी तो बटाले के करीब एक गांव था वहाँ पर हज़रत मौलाना अब लता साहब का मुनाजरा था और मुनाजरे में ये शर्त थी कि कोई यूनिवर्सिटी का फारग तहसील और अच्छा उसके पास उसके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए तो मौलसा जब बात शुरू मुनाजरा शुरू हुआ तो मौल सा ने फरमाया कि ये मेरा गोल्ड मेडल है मैंने यूनिवर्सिटी से अव्वल में आया था यूनिवर्सिटी मेरी पोजीशन अव्वल थी मेरा गोल्ड मेडल है और चूंकि शर्त में ये बात जिक्र है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ मुनाजरे की शरात जो पहले से तय हुआ है उसमें ये जिक्र है इसलिए मैं ये आपको अपना गोल्ड मेडल दिखा रहा हूँ ये मेरा गोल्ड मेडल है और मैं मौली फाजल हूँ तो, तो मेरे तो मनाजिर जो उस मुकाबल पर हैं वो भी बताएं उनकी क्या हैसी है था? क्योंकि शर्त पहले से मौजूद है मुनाजरे की तो वो थे मौली अब्दुल्ला मैमार और वो बिल्कुल उनकी कोई शब्दा मौल नहीं थे हो बायदा तो मौलसा ने को जवाब देने की अब्दुल्ला मैमार जवाब देने की कोशिश करते रहे और उन्होंने इस सवाल उनको भी मुतव था कि ऐसा सवाल होगा तो एक साहब पास बैठे हुए थे उनके मौल साहब की कुर्सी पर मैं मैं उसमें मौजूद था छोटा मैं छोटा सा था मुझे अच्छी तरह याद है वो बैठे हुए थे तो उन्होंने बड़ी उनकी आवाज़ भी हल्की सी उठ के कहा कि मैं मौली फाजिल हूँ और ये मौली अब्दुल्ला साहब मेरे उस्ताद हैं तो इसलिए इनकी बड़ी शान है ये मुनाजरा कर सकते हैं मौल सा ने फरमाया ये शर्त नहीं है कि वो किसी मौली फाजिल का उस्ताद हो या मौली फाजिल उसका शागिर्द हो ये शर्त नहीं है मुहाज़र के मतलब ये शर्त है और मौलिसा ने एक मौके पर ये फरमाया कि हमारे पास जो मौली फाजल हैं वो उठ के खड़े हो जाएं तो कादियान से लोग गए हुए थे वो सौ दो सौ से ज़्यादा हाज़री हो ये तो नहीं वहाँ के मुकामी लोग नहीं थे तो उसमें करीबन सारे वो खड़े हो गए जाम अहमदिया से फारहसील मौली फाजल मौ ने फरमाया कि ये मौलिक फाजल है हमारे आपने ये शर्त रखी थी ये समझ के ये देखे ये मौली फाजल है मुझे याद है हजरत हाफ मोहम्मद रमज़ान साहब बड़े ऊँची आवाज़ थी उनकी उन्होंने बड़े बुलंद आवाज़ से वहाँ पर ऐलान किया कि मैं नाबीा ना हूँ लेकिन जमात की बरकत यह है कि मैंने मौलिकाजल का इम्तहान पास किया हुआ है मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार वो मौलाना शरीफ़ अमीनी साहब उन्होंने भी उठ के ऐसे कोई ऐलान किया बल्कि वो शरात में एक वक़्त में मौल सभा के मुनार की कुर्सी पर भी बैठे मौलाना शरीफ अमीनी साहब तो ये यानी इलमी तरक्की का जो जज्बा था हज़रतरद्दीन महमूद अहमद का उसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा कि एक वक्त ये था कि वो लोग चैलेंज करते थे कि मौल फाजल हमारे सामने मुकाबले के लिए आना चाहिए और फिर ये ये सूरत हाल पैदा हो गई कि जमात में ताला के फल से इतने मौल फाजल हो गए और इतने हर इलम के माहिर हो गए क्योंकि मकसद ये था कि हम तब ली इस्लाम करेंगे तो इस तरह से जमात में तालीमी तरक्की का उन्होंने उनको तो ये था कि जैसे इस्लाम की एक जंग लड़नी है उसके लिए सिपाही तैयार करनी है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा तहरीक की के लोग आगे आएँ और उनको तालीम दी उसके लिए क्या इंतज़ाम उन्होंने किया मैं देखता हूँ कि वो जो इंतज़ाम वहाँ कर रहे थे फिर वही आगे मुख्तलिफ़ दुनिया के ख़े में भी वही पैटर्न जो है चला है हजूर ने एक तो मदरसा में दिया बायदा उसमें तालीम होती थी उसके साथ फिर हजूर ने आर्जी मोबाइल आर्जी तौर पर यानी क्रैश प्रोग्राम जैसे क्रैश प्रोग्राम आए के जल्दी तैयार हो जाए मैदान में जाने के लिए लोग तो उसके लिए हजू ने बाकायदा हदायत दी और उनके लिए बुजुर्ग सा को मुकर किया गया वो उनको थोड़ी ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद वो मैदान में चले जाते थे तो, 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 लिए लिए। एक मनाते थे एक तो वो थे मुंतजरीन थे, और एक... राबतीन, हाँ। रखे। और थे, थे। हाँ, ताकि ये मैदान में खाली ना हो मैदान और मैदान में ट्रेनिंग देने वाले भी और वैसे ये तो ऐसे लगता है जैसे एक जर्नैल जो है वो जनल जो है वो अपनी तो फौज तैयार तो कर तो रहा है की काबिलियत उसी किस्म की थी कि आप इंसानी काबिलियत इस तरह गैरमा बोली थी कि देखते देखते वो इस तरह इनकलाब पैदा हो गया मिल्ल अहमद के हम दर्दों में, में हूँ बे में नहीं हूँ मैं वफादारों में हूँ बस सर ये फरमाएं कि ये जो बैरूनी मालिक में मिशन कायम किए हैं इंग्लिस्तान में है मॉरिशस में है अमेरिका में है तो इसके बारे में यह ज़िक्र चल रहा है हजरत मुस्लिम हजरत जिलानों ने जो मुबलिन को नसाए किए हैं तबलीगी सकीम आ, ये तो एक फसल किताब ये जवाब जो है इसका एक फसल किताब की सूरत में हो सकता है एक मेरे पास ये हुज़ूर का इरशाद है मैं चाहता हूँ कि जुर्माते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम में ऐसे लोग हों जो हर एक ज़ुबान के सीखने वाले और फिर जानने वाले हों ता हम हर एक ज़ुबान में आसानी के साथ तब्लीग कर सकें और इसके मतलब मेरे बड़े बड़े इरादे और तजावीज़ हैं और मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर यकीन रखता हूँ कि खुदा ने ज़िंदगी दी और तोफ़ी दी और फिर अपने फ़जल से इसबा अता किए और उनबाब से काम लेने की तोफ़ी मिली तो अपने वक्त पर ज़ाहिर हो जाएंगे गरज मैं तमाम जबानों और तमाम कौमों में तबलीग का इरादा रखता हूँ इसलिए कि ये मेरा काम है कि तबलीग करूँ मैं जानता हूँ कि यह बड़ा इरादा है और बहुत कुछ चाहता है मगर इसके साथ ही मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा ही के हजू से सब कुछ आएगा बस मेरे दोस्तों रुपए के मामले में घबराने और फिक्र करने की कोई बात नहीं वो आप सामान करेगा आप उन सदादतमंद रूहों को मेरे पास लाएगा जो इन कामों में मेरी मददगार होंगी मैं ख्याली तौर पर नहीं।, नहीं कामल यकीन और बसीरत से कहता हूँ कि इन कामों की तकमीलोजरा के लिए किसी मुहासब की तहरीकें काम नहीं देंगी क्योंकि अल्लाह ताली ने मसीह मौत से खुद वादा किया है कि यंसरों का रिजालनूहीम तेरी मदद वो लोग करेंगे जिनको हम वही करेंगे बस खुदा आप ही हमारा महासब और महसल होगा उसके पास हमारे सब खजाने हैं फिर हमें क्या फिक्र है हाँ सुहाब का एक मौका है मुबारक वो जो इससे फायदा उठाता है मिल्ल अहमद के हम दर्दों में ख़ारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं वफादारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं हूँ